टीम इंडिया के लिए 2022 अच्छा साल नहीं रहा। इस साल उसे 6 दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। रविवार को बांग्लादेश से मिली शिकस्त इनमें से एक रही। भारतीय टीम बांग्लादेश से महज एक विकेट से हार गई। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में मिली इस हार ने भारतीय फैंस को 2020 वर्ल्ड कप की उस हार की याद दिला दी जो 25 दिन पहले एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली थी। तब इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था। उससे पहले टीम इंडिया एशिया कप के सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान और श्रीलंका से हारकर बाहर हो गई थी। कुछ हार ऐसी भी हैं जिन्हें टीम इंडिया के साथ उनके फैंस भी भुलाना चाहेंगे। टीम इंडिया ने इस साल कुल मिलाकर तीनों फॉर्मेट के 67 मैच खेले। 43 में जीत जबकि 20 में हार मिली। एक मैच टाई और 3 मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहे। साल के पहले और सीरीज के दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने हमें 7 विकेट से हरा दिया। ये हार ही काफी नहीं थी कि अफ्रीका ने आखिरी टेस्ट में भी भारत को 7 विकेट से हरा दिया। चौथे दिन 212 रन का टारगेट डिफेंड कर रहे भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। अफ्रीकी बैटर्स ने 63.3 ओवर्स में लक्ष्य हासिल कर लिया। टेस्ट सीरीज में हार के बाद साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज में भारत को 3-0 से हरा दिया। इस तरह 2022 के शुरुआती 5 मैचों में ही हमें 5 बार हार का सामना करना पड़ा। कोहली की कप्तानी में भारत ने अगस्त 2021 के दौरान इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। 7 एशिया कप खिताब जीतने वाली टीम इंडिया यूएई में 8वां टाइटल जीतने पहुंची। सुपर 4 में 2 हार के बाद भारत फाइनल की रेस से बाहर हो गया। सारी हार भुलाकर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2020 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरी और सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार गई। 2 मल्टीनेशन टूर्नामेंट में हार, साउथ अफ्रीका से टेस्ट वनडे सीरीज में हार और इंग्लैंड से 5वां टेस्ट गंवाना ही काफी नहीं था कि टीम इंडिया को बांग्लादेश तक ने वनडे में 1 विकेट से हरा दिया। आखिरी ओवरों में खराब फील्डिंग और कैच छोड़ने के कारण आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम इंडिया 7वें नंबर की टीम बांग्लादेश से हार गई। इस तरह साल के शुरुआती और आखिर के महीनों में टीम इंडिया को दर्द भरी हार का सामना करना पड़ा।